साजन मीत पितामह त्रिया, साजन मीत पितामह त्रिया, चरण कमल हृदय गहना नक, चरण कमल हृदय गहना नक, है सागर संत पारे उतरिया, है सागर संत पारे उतरिया, किस ही कोई को मन्य निमाणी एक तू, मन्य निमाणी एक तू, क्यों नमरी जरो जालग चित नयावी, जे भुली जे चुकी साई पीत हिंजी काढ़िया, पीत हिंजी काढ़िया, दिना ने हो दुजाने लगा, चूर मरहो सेवा ढिया, होना छोड़ो कंत पासरा, होना छोड़ो कंत पासरा, सदा रंगीला लाल प्यारा, एहो महिंजा आसरा, एहो महिंजा आसरा। राजन राज पानम पान देवान देव उपमा महान चौर छत्र तख्त दे मालिक धन सतगुरु सहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र गोद का आनंद प्राप्त कर रही गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जीओ, महाराज साहब जी ने बख्शिश करके तरस करके सानू सभना हफ्तावारी दीवान दियां ये अमोलक घड़ियां बख्शियां ने। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने महान बख्शिश करके बिलगा निवासी अते समूह पोस्ट इलाके निवासी संगतां नूं उद्यम बख्श के हर साल की तरह गुरद्वारा साहब फ्रीमाउंट विखे तत्तियां तवियां उत्ते अडोल चौंकड़ा मारन वाले सुखमनी साहब के रचनहार धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के बाणी के मोहित सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के आनंद कारज तिना के विआह पुरब जो सतिकार योग भाई साहब भाई कृष्ण चंद जी तिना की सपुत्री माता गंगा जी के नाल मौ पिंड विखे तई हाड़ 1636 बिक्रमी नूं ये शुभ आनंद कारज महाराज सच्चे पातशाह जी दे होए सन, तिना दी खुशी नूं मुख रखदे होया
परसों रोज तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृतमय गुरबाणी दे श्री अखंड पाठ साहिब पर आरंभ करवाए गए सन, जिन्हों के भोग आप जी ने सरवण किए। उस तो उपरंत सुंदर दीवान सजाए गए ने सत्कारयोग गुरु के कीर्तनी सिंह ने आप जी अमृतमय गुरबाणी के कीर्तन के नाल निहाल किया, आप जी की सेवा की। आओ प्यारिओ, सतगुरु पातशाह जी के आनंद कारज वाले पुरब नूं असीं मनाउण वास्ते आए हाँ। जरूर उस इतिहास नूं एक बारी फिर याद करिए। असीं जदों वेले हुंदे आ ना, हुण ते डीवीडियां चल पईआं, डीवीडियां दा वी समां चल गया, हुण चिप्पां दे उत्ते सब कुछ चलदा है, यूट्यूब दे उत्ते विआह दीआं फिल्मां पाईआं जांदीआं ने। पुराने समय च की हुंदा सी, जदों किते समां मिलना VCR कढ लैणा, कोई पुराने विआह दी फिल्म, मैनूं याद है छोटे हुंदिआं वह ला लैनी, सारे टब्बर ने बैठ के देखना वे फलाने का विआह देखिए, अज असी वेले बैठे हाँ। तो साढ़े घर हुंदा सी, जिहड़े हुण अजकल दे बच्चे आ उन्होंने नहीं पता होगा, वैसे मैं भी तो अजकल दे बच्चे आ रहा है, मेरी उम्र भी अजे नक्कियां दी है, इस करके अजकल डेफिनेशन तुहाडी तुहाडे मुताबक है, तुसीं अजकल किहनूं कहिंदे हो। वैसे मैनू याद है कि साढ़े घर VCR कढ लैनी, सारे टब्बर ने बह जाना, कहना वह फलाने का विआह देखते हैं। आओ अपने टब्बर के विआहों बड़े चावों के नाल असी वेखते हैं, तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज के विआह नूं क्यों ना याद करिए। ये भी एक भगती है, कई कहिंदे ने उही गल सुनाई जानी, ये किसी बंदे दे मिट्टी दे बने हुए पुरश की गल नहीं, ये गुरु अर्जन प्रताप हरी जी के विआह की गल आपां करन लगे हां, जिन्हां दे हिरदे दे विच केवल परमात्मा ही परमात्मा चमकदे पए सन, जिन्हां दे वल तक के सारी दुनिया झुक जांदी है। उस महान सतगुरु ते मैं बेनती करा, उस महान माता गंगा जी जिन्हां दी कुख तों गुरु हरगोबिंद साहिब जी वर्गे योधे पैदा हुए, जिन्हां ने कदे भी अपने पति तो धन गुरु अर्जन साहब जी तो दुखों में भुखों में रोगों में सोगों में कदे मूँह नहीं मोड़िया, उस महान सुभागी जोड़ी असी याद कर जा रहे हैं। आओ प्यारो बख्शो असीस, I'm gonna go through the history which you guys celebrate every year, especially those of you, मैनू क्योंकि पिछले हफ्ते पिंड बिलगे दिया संगतों में एक वीर मिलिया, कहता सी कि भाई साहब तुसी जरूर इंग्लिश दे विच महाराज जी के विआह का इतिहास जरा दोहराया, सो आई एम गोइंग टू स्पीक अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश सो दैट यू नो व्हाट वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे, ऑल्दो यू मे हैव हर्ड इट बिफोर, होपफुली यू विल लर्न अ फ्यू न्यू थिंग्स टुडे, सो विल आई। आओ महाराज साहब कृपा करन, एकाग्रता श्रद्धा भावना के नाल जो सुनांगे, तो यह मनाया होया गुरु साहब जी का आनंद कारज वाला पुरब साडी भगती बन जाएगा। आओ धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के अगे दो हाथ जोड़ के सीस झुकाउंदे आ, सारी संगत बख्शो असीस, मेरे सिर ते रखो मेरा भरिया हाथ, गुरु फतेह प्रवान करनी जी, गज के आखना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह महाराज जी धन गुरु अर्जन देव दे विआह बारे बंसावली नामे दे विच केसर सिंह शिबर लिखते हैं कि महाराज जी का विआह धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने तय किया सी, इतों तक कि विआह की कुछ समगरी भी जिहड़ी आ उह धन गुरु अमरदास जी ने तैयार की सी कि मेरे पोतरे का ये दोतरे का विआह है, तो ये मेरा जिहड़ा दोता है ये केवल आम इहदे नाल रिश्तेदारी नहीं, ये बाणी का बोहता है, आप जी जानते हो आके मंजी नूं हिलाउणा कीता, ये कौन पुरख भारी जिन्हें मंजी हिलाई सारी, फिर जो चुक के छोटे जे सच्चे पातशाह जी महाराज जी बालक अवस्था महाराज जी ने फिर वर दिते दोहिता बाणी का बोहता। सच्चे पातशाह महाराज गुरु अमरदास जी ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का रिश्ता
भाई साहब भाई कृष्ण चंद जी मौ निवासी तिना की सपुत्री बीबी गंगा देवी जी के नाल तय किया। रिश्ता गुरु अर्जन देव जी च माता गंगा जी वसैब भाई धन गुरु अमरदास जी द थर्ड गुरु। वी फाइंड द एविडेंस फॉर दिस इन वन ऑफ आवर हिस्टोरिकल बुक्स कॉल्ड बंसावली नामा रिटन बाय अ मैन कॉल्ड केसर सिंह शिब्बर ओनली अ फ्यू डेकेड्स आफ्टर गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। धन गुरु अमरदास महाराज जी ने यह नाता यह रिश्ता जोड़िया। प्यारे आखिरकार चलद्या चलद्या समा अपनी चाल चलता गया। सच्चे पातशाह जी महाराज जी के विआह के पुरब दियां मैं पहला केवल इतिहास वाल थोड़ा थोड़ा फिर इस इतिहास विचों जो सानू सिक्ख्या मिलती। सच्चे पातशाह जी तैयार होए चलते चलद्या जिस पिंड के आप सेवा करने वाले वसनीक हो बिलगा पिंड विखे सच्चे पातशाह जी पहुँचते। महाराज धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी लीव्स विद द वेडिंग पार्टी। महाराज जी अराइव्स इन द विलेज बिलगा इन दुआबा विच इज माई एरिया इन पंजाब। महाराज सच्चे पातशाह जी अराइव्स देयर। जदों सच्चे पातशाह जी बिलगे पिंड विच पहुँचते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की बिलगे पिंड वालों ने रज के सेवा की। सच्चे पातशाह जी महाराज की सेवा जो की महाराज जी के चरण परसे महाराज एक रात इस पिंड विच रहे आ तवारीख के मुताबक। ये जो मैं आप जी को इतिहास सुना रहा बंसावली नामा केसर सिंह शिब्बर अमीर भंडार संत ज्ञानी कृपाल सिंह जी प्रिंसीपल सतवीर सिंह जी संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी उन्हों का इतिहास उतों पढ़ के आप जी को मैं सुना रहा। द सोर्सिज फॉर माई हिस्ट्री आई हैव सेड देम टू यू। महाराज सच्चे पातशाह जी एक रात बिलगे पिंड विच रहिंदे। सच्चे पातशाह जी महाराज ने जो अपने सीस दे उत्ते दस्तारा सजाया गल दे विच जो चोला सजाया जिहड़ा महाराज जी ने अपने शरीर ते एक शहरा पाया होया सी। महाराज ने सवेरे इशनान कीता इशनान करके धन गुरु अर्जन देव जी ने सारे केसरी चोला भी गल दे विच केसरी दस्तार भी केसरी रंग दी बसंती रंग दी महाराज जी ने सजा लिया। इन द मॉर्निंग सच्चे पातशाह जी गेट्स अप बिलगा विलेज। महाराज जी टेक्स ऑफ द दस्तार फ्रॉम द डे बिफोर सारे नवे पोशाके ते बंसावली नामे च लिखिया वे गुरु साहब जी ने पहला तैयार करवाए हुए सी। महाराज जी वेयर्स अ चोला खलज इन केसरी खलज द सोर्ट ऑफ येलोइ ऑरेंज। महाराज जी वेयर्स अ येलोइ ऑरेंज दस्तार अपॉन देयर हेड दे वेयर दैट सेम चोला इन देयर नेक। सच्चे पातशाह जी दे कोल बिलगा निवासी पहुंचदे आ महाराज जी दे चरणा ते मत्था टेकिया कहिंदे महाराज साडे पिंड नूं सरापिया होया है एक पीर ने कहिंदे ओह किहड़ा सराप है ते कई डरदे ने कहण तों कि इह वचन गुरू दे किते आपां कह दईए वार सराप दी गल ते की हो जाएगा। मैं बेनती करां गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी कहिंदी है भगत मुख है ते बोल दे से वचन होवन दे। असीं पढ़दे हां ना जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै नानक दास मुख ते जो बोलै इहां उहां सच होवै जो रब दा प्यारा बोल दिंदा सच्ची गल है। प्यारे चंद्रमा नास हो सकदा सूरज नास हो सकदा धरती गरक सकदी आ पर रब दे प्यारे दे बोल कदे झूठे नहीं हो सकदे। इह तां सतगुरु जी दी गल करदे आ ना कर्म खंड की बाणी जो तिथे होर ना कोई होर। जो कर्म खंड दे विच कृपा दे विच जीवन वाला कोई बचन करता है उहदे बचना दे विच सत्या परमेश्वर दी हुंदी है। प्रभ जी वसै हैं साध की रसना नानक जन का दासन दसना अमृत बचन साध की बाणी उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोक है निस्तार। When someone colored in God's love speaks, their words resound not only in this world but even in God's world. In that place, in Sachkhand, even there, Jaka kahya dargah challay, so kisko nadarlay, aavay talay, Guru Granth Sahib ji di bani agwai dindi paye, sikha parhamna kareem palay, khichna paye, jado Guru bolda hai na, dargah de darwaje khol ke rakh dinda hai. Guru de bolan ch, गुरु दे प्यारे दे बोलना दे विच इतनी शक्ति है। The guru has the power in his words even to open the gates of God's house to you. महाराज सच्चे पातशाह जी दे कोल आए कहंदे महाराज
इस पिंड दे विच केवल 12 कुलियां वसदियां ने, 13वीं वसण नहीं दिते। ये जिहड़ा श्राप दिता है किसी पीर ने, महाराज सच्चे पातशाह जी एकदम अपने नेत्र मुंदे, कुछ मिनटां बाद सच्चे पातशाह जी हसे। धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी ने आख्या, बिलगे पिंड विच वसण वालिओ, इत्थे 12 कुलियां नहीं, इत्थे एडा वड्डा ये नगर हो जाएगा। सच्चे पातशाह जी कहिंदे इहदे 12 दरवाजे होणगे। ये महाराज ने उदों वचन कीते सी बिलगा पिंड दे विच बैठे, बिलगा विलेज ए मुस्लिम सेंट हैड कर्स्ड इट एंड इट वाजंट एक्सपेंडिंग बियॉन्ड अ सर्टेन साइज। महाराज क्लोज देयर आईज, आफ्टर फ्यू मिनट्स महाराज ओपन देयर आईज। ए संत कृपाल सिंह जी ने अमीर भंडार पुस्तक दे विच सारी चीज लिखी। महाराज ने आख्या 12 दरवाजे होणगे, ये नगर वधदा ते फुलदा रहेगा। महाराज सच्चे पातशाह जी ओपन्स देयर आईज, महाराज सेज दिस विलेज Now it is restricted, one day will have 12 doors on all sides. ਜਦੋਂ ਬਿਲਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਬਚਨ ਦੇ ਚੱਲਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਜੀ ਤੇ ਚੱਲਿਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਮਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਕਟਾਕਸ਼ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਕਟਾਕਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। मैं कहना प्यारे जिद नाल प्यार आ ना, उहदे पैरां विच पाई हुई जुत्ती भी जिहड़ी आ उह भी मत्था चाहुंदा वे उहदे उत्ते मैं झुक जां, चरणां दे जोड़े उत्ते भी बंदा झुकदा है जिहदे नाल प्यार होवे। ते जिहदे नाल प्यार ना होवे उह भावें सामणे खड़ा होवे प्यारे, कोई स्नेह नहीं जागदा। निशर्दक कुणे वाले पासिओ ना चलीए साध संगत जीओ। उन्होंने आखिया धन गुरु अर्जन साहिब जी नूं, कहिंदे महाराज आप जी कृपा करो साडी झोली विच निशानी पाओ। जो संत कृपाल सिंह जी ने लिखिया, कहिंदे महाराज ने अपना दस्तारा, अपना चोला, अपना जिहड़ा कशहरा सी, ये 3 वस्त्र बिलगे निवासियों नूं बख्शे। महाराज जी गिव्स दैट दस्तार, दैट चोला एंड दैट कशहरा टू द संगत ऑफ बिलगा। मेनी पीपल से व्हाट इज इन द गुरुज कुर्ता, व्हाट इज इन द गुरुज दस्तार। इफ यू आर इन लव विद समवन, even their shoes, imagine you're in love with someone, you can tell what shoes they're wearing. If their shoes are laying outside, seeing their shoes you have so much love, because you know your beloved is sitting inside that building. Main english de vich ek udaharan ditti aa, kise na pyar hove sanu ohde jodiyan tak di eh pata hunda ve kiho je jode paaye oh kise ghar de bahar kise makan de bahar jode la de बस ओदे जोड़े देखदिया सार इन्ना चार दिल दे विच पैदा होंदा वी मेरा प्यारा इस मकान विच इस मंदिर विच बैठा। अपने घरां च देखो माता पिता दे जोड़े, भैन भरावां दे, जदों रात नूं थके अके कम तो घर आईदा है, एक वारी जोड़ियां वल देखीदा ना बाहर पए, उन्हां जोड़ियां वल देख के पता लग जांदा वी मेरे घर दे जी बैठे ने अंदर कि नहीं कि बाहर गए। ते मैं कहिंदा इह तां गुरु नानक देव जी महाराज जी दे जोड़े अगे क्यों नहीं सीस नवावांगे, सच्चे पातशाह जी दे सीस दिते सजन वाली दस्तार नूं क्यों नहीं सजदे करांगे, महाराज जी दे गले दा शिंगार ओह चोड़े नूं क्यों नहीं मत्था टेकांगे। सच्चे पातशाह जी महाराज दी इन्हां निशानियां नूं बिलगा निवासी संगतां ने अज तक सांभ के रख्या है। ईवन टुडे द विलेजेस ऑफ बिलगा हैव केप्ट दीस, बिकॉज़ व्हेन यू आर इन लव विद समवन, एवरीथिंग व्हिच दे टच इट बिकम्स ब्लेस्ड एंड इट बिकम्स सेक्रेट टू यू। खैर प्यारियो, सच्चे पातशाह जी महाराज नितनेम करके अरदास करके बिड़गा पिंड तो तुर जाते। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी के नाल साधु महापुरशां दी इह जंज जा रही है वक्री है दुनिया तो, शब्द गाते जा रहे हैं रस्ते दे विच। आखिरकार बिड़गे तो तकरीबन मैं जो पढ़िया सुनया 3 मील का विच उन्होंने लिखिया विद्वाना ने, बाकी आप जी उत्थे दे रहण वालों तुहानू ज़्यादा पता है। महाराज सच्चे पातशाह जी शब्द गाते गाते शब्द गाते गाते उस पिंड पहुंच जाते। कहते हैं कि उस पिंड दे विच जिहड़ियां बीबियां वसदियां सन उन्हां दी एक रीत सी, हुण भी विआह दे विच इह गल हुंदी आ कई वार, ते इहदे विच कोई माड़ा भी नहीं है। कई वारी असीं कहिंदे आ जी आ वी नहीं गुरमत, आ वी नहीं गुरमत, जे उह मखौल करदियां ने इहदा अर्थ इह नहीं है वी उह गुरु साहिब जी महाराज जी ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਜੀ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗੋਰੇ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ।
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੰਥ ਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪੰਥ ਚ ਆ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਗਲਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹੁਜਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਈਰਖਾ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਅਗੰਮੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੌਡੇ ਵਰਗੇ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜਣ ਵਰਗੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇ ਵਰਗੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੀਪਲ ਫਰੋਮ ਦ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਪਿਕਿੰਗ ਅਪ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੈਮ ਖੈਰ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਠੁੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਸੰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਜਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਰੀਰ ਜੋ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕਰੀਰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੰਡ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟੇਗਾ ਉਹੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੁਸਕਰਾਏ ਇਹ ਅਜ਼ਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜਾ ਮੰਗਾਇਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇਜਾ ਲਿਆ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਉਥਾਨ ਕਾ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਤਵਾਰੀਖ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਨਹੀਂ What they used to do in that village was, they used to have fun with the person who was coming, the groom who was coming. They would tell him to uproot wooden sticks from the ground with his foot. If he could do it, then good. If he couldn't, then they wouldn't let him get married there. They say, you're not worthy of getting married in our village. When they heard Guru Sahib Ji was coming, instead of putting a wooden stick into the ground, they had a tree and that tree's roots were still in the ground. They took off all the leaves, they took off all the branches, so it looks like a wooden stick. They say to Guru Arjan Dev Ji Maharaj, you must uproot this. You must take this out if you are going to get married in this village. Maa pind de rehne wale hain. Sache Patshah Ji ne ghoda mangaya. Maharaj Sache Patshah Ji ne apne paavan daste mubarakaan de vich neja liyae. Ghode utte asrar hon lagya. Guru Arjan Dev Ji ne is tarah sees chukaya. Hun vi Nihang Singh chukaunde. ਇਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਤੇ ਦੋ ਚੌਪੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾ ਬੋਲਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਜੋ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਤੁਕਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹੋ ਸਹਾਈ ਦੋਸਤ ਦੋਖ ਤੇ ਲੇਹ ਬਚਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਬ ਠੌਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਕੀਰਤਨੀ ਹਿਸ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਵੈਨੈਵਰ ਯੂ ਟੇਕ ਯੋਰ ਕਾਰ ਫੋਰ ਇੰਟਰ ਫਰਸਟ ਗੇਅਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਨੈਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਰਾਈਟ ਦੈਟ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ But whenever you sit in your gear in your car, and you turn the key, the ignition, say two lines of Chaupai Sahib, Guru Gobind Singh Maharaj will have his hand upon your head. Sarab Thor, that means in all places, Moho Sahai, protect me. Dost Dokhne Leho Bajai, save me from sin and save me from sinners. Both of those things come into that ardas.
The same way Guru Arjan Dev Ji bowed down to Guru Nanak before getting on the horse. Tan Guru Nanak Sahib Ji da naam tya ke Guru Arjan Sahib Ji Maharaj ne puri teji de utte ghoda chadhaya, ghode nu chadha ke ikdam Maharaj Sache Patshah Ji is tarah jhuke झुक के जिवें निहंग सिंह किला पट दिया, महाराज सच्चे पातशाह जी ने उस जंड नूं जड़ों तों पटा के रख दिया। उखाड़ के सच्चे पातशाह महाराज ने भगा के मारे। धन गुरु अर्जन साहब जी महाराज राइज़ देयर हॉर्स फुल पेल्ट टुवर्ड्स द ट्री। सच्चे पातशाह जी एम्स देयर स्पीयर एट द ट्री, डिग्स देयर स्पीयर इनटू द ट्री, देन विद ऑल देयर माइट थ्रोज़ द ट्री अप इनटू द एयर, जड़ां तों उन्हें पट के रख दिया। सच्चे पातशाह जी महाराज ने जो आ किया सारे हैरान रह गए कि यह किला नहीं सी, यह तो जंड सी, करीर सी, इनू जड़ों उखाड़ के रख दिता। महाराज सच्चे पातशाह जी घोड़े उत्तों उतरे। सच्चे पातशाह जी ने आख्या रब दे फकीरां नू तुसी अजमा रहे हो, हाँ व्याह दे विच हासा मखौल करना इहदे विरुद्ध नहीं, पर तुसी रब दे घर दा कहर जिहड़ा है करामात अजमाउणी चाहुंदे सी। धन गुरु अर्जन साहिब महाराज ने उस वेले बचन आखे मौ मारी करतार इत्थे वसदे झूठे, सिर जिन्हां दे टोपियां हथ फड़दे झूठे। ये महाराज ने उदों मौ पिंड दे विच बचन सच्चे पातशाह जी ने आखे सी। जदों महाराज ने यह बचन आखे उस वेले सच्चे पातशाह जी महाराज जी के सामने पिंड दे लोगों ने आख्या भी हुण की उपा कीता जाए। सत्कारयोग माता गंगा जी, तिन्हां दे वड्डे भैण जी बीबा हरहा जी, वह महाराज सच्चे पातशाह जी के हजूर आए। उन्होंने आख्या ये मखौल भी असा ने किया है ते गुरु तो माफ़ी भी असी मंगांगे। सच्चे पातशाह जी महाराज जी दे अगे मत्था टेकिया, कहिंदे बख्शिशां वालियो साई लोग जी कृपा करो साडे गुनाह माफ़ कर दे। सच्चे पातशाह महाराज जी ने हस के आख्या कहिंदे जिहड़े बचन निकल गए ने हर हाँ वह तो मुड़ने कोई नहीं, पर सच्चे पातशाह जी ने आख्या हाँ इस स्थान तो एक को दूर ये मौ पिंड फिर वसेगा, साढ़े व्याह की निशानी जी दरबार इतने रहेगा, पर इस स्थान तो एक को दूर जिहड़ा तुहाडा पिंड फिर वसेगा। महाराज सच्चे पातशाह जी अपरूट्स द ट्री। Then Maharaj says, you people, Maharaj isn't against the fun that they're having in the wedding, but because they try to test a saint of God. Maharaj Sache Patshah Ji says, this whole village will be uprooted like the tree was. Maharaj's sister-in-law, Bibi Harha, the elder sister of Mata Ganga, she comes, she begs forgiveness. Maharaj Sache Patshah Ji says, Harha, because you have come and asked for forgiveness, your village will not be here. One core, that's 2.5 kilometers from here. Ek core, takriban 8.5 kilometer banda. Dr. Gurchand Singh ne apne Sri Guru Granth Sahib ji kosh vich eh likhya. Mahan kosh de karta Bhai Kan Singh ji Nabha utte bade theth Punjabi di udharan dinde a, mainu badi changi lagdi pad ke. Oh kehnde ek core purane bujurg unna ginde hunde si jinna gaan di adingan di awaaz jithon tak jandi hai na. Eh Mahan kosh de vich pad lo tusi aap. Kehnde ohnu core mante hunde si. ते मैं बेनती करा कि इहदे विच की है, इहदे विच पंजाब दे लोकां दा भोलापन दिसदा है। इहदे विच ओह जमाना दिसदा है जदों दिलां दे विच खोट नहीं सी इतनी हुंदी जिन्नी अज है। जेबां च रुपये बड़े ने जी, पर जितने रुपयां नाल साडियां जेबां भर गईआं किते प्यार नाल साडे दिल भी भर जांदे। इह जमाना इहो जिहा, चलो खैर मैं इधर ना जावां, समें विच रहिंदिआं होइआं मैं बेनती करा। कहते सच्चे पातशाह 1.25 किलोमीटर्स अवे, सच्चे पातशाह जी सेज द विलेज विल स्टे देयर। फिर हर हां ने जे मैं भी जो गया सी व्याह ते मैनू भी आख्या कहते कोई छंद सुनाओ, कहते हुंदे कोई छंद सुनाओ, मैं छंद सुनाए किहड़े सुनाए, मैं ते दसम चो सुनाए, मैनू ते उही छंद आउंदे, मैं छंद सुनाए दसम दे जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह जी ने उचारे, ये जोरी जी वै जुग चार दिहाड़ियों शब्द मैं याद सी सर, वो भी हसन लग पे कहते आ छंद सुनाए। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बीबी हरहा ने आख्या महाराज कृपा की साडा पिंड उजड़नों तुसी बचाता, हुण कृपा करो सानू छंद सुनाओ। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आख्या हरहा सानू छंद दुनिया के नहीं आते, सानू तो छंद दरगाह के आते।
महाराज ने हस के आख्या साडे शांत केरे ने धुटकी बाणी आई तिन सगली सानू ते और कोई शांत आउंदा ही कोई नहीं। महाराज सच्चे पातशाह जी ने फिर बाणी उच्चारण कीती जिहदा नाम है फुने हाथ कलम अगम मस्तक लेख आवती जिन्हां विच शब्द आउंदा डिठे सबे थां नहीं तुद जेहिया वदो पुरख विधाते तां तू सोया वस्ती सदन अपार अनूप रामदास पर हर हां नानक कसमल जाहे नहाये रामदास साहब। वह बीबी हर हां का नाम ही अमर हो गया गुरु ग्रंथ साहब। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फिर फुन है बाणी जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब जी के 1361 अंग उत्ते सुभायमान है। They say to Maharaj, they say, sing to us some songs, because when you get married, these are things which used to happen in our villages. They used to say, sing some songs to us, some shans, some verses, some poetry. And if you didn't know poetry, then your sister-in-laws would tease you. Guru Arjan Dev Ji Maharaj said, I don't know any other poetry. My poetry comes from the house of God. That poem, that shabad which Guru Arjan Dev Ji sang in Maw village, that is written upon Ang 1361 of Shri Guru Granth Sahib. And it is called Funah. Funah, Pyareo. Funah ek shandada naam bhi hai. Jenu asi dasan di bani vich adil karke jaande. Satkar Jog Singh Sahib ji baithe ne. Gyate ne bani de. Aap sangtaan nu bhi shayad e gal da pata hove ki adil te funah ekko hi shandada naam hai. Jive asi padhde haan ke sunai gong jo ya so rasna पावे। इसी तरह डिठे सबे थां नहीं तुद इको ही चाल है इन्हां दी ते उस अड़ेल दे विच एंड ते आ के आंदे ना हो जो यहां की एक बार जिथे ये शब्द आंदे ना हो जो इसी तरह फुन है बाणी दे विच आंदा हर हां नानक कसमल जाहे नहाय। इसी तरह हर हा शब्द वार वार आंदा फुन है दा नाम त्यागना भी हुंदा है। महाराज ने आख्या असी तां त्याग दे छंद गावांगे अनुराग दे छंद गावांगे बैराग दे छंद गावांगे। ये सच्चे पातशाह जी ने उस पिंड दे विच बख्शिशां कीतियां ने। मैं बेनती करा विआह वेले जे महाराज नूं कोई पुछदा वी तुसीं छंद उचारो सच्चे पातशाह जी दे मुख चों बाणी उचार हुंदी है। माता गंगा जी एक दिन नाल दीआं बीबीआं ने किसी ने कोई जेवरात पाया किसी ने कोई जेवरात पाया कहिंदे गंगा इतने वड्डे घर गुरु नानक साहिब जी दे घर दे विच तेरा विआह होया है ते तू कोई जेवर पा के क्यों नहीं रख दे। माता गंगा जी आए देखो महाराज मैं जदों इस विआह पुरब नूं असीं पढ़दे आ ना इहदे विचों सिख्या लईए महाराज ते छंद भी जिहड़े उत्ते बाणी सी। सच्चे पातशाह जी दे कोल आ के माता गंगा जी ने बेनती कीती महाराज मेरे गले का हार मेरे जेवरात। महाराज सच्चे पातशाह जी ने आख्या गंगा तेनू इहो जिहा गले का हार असीं पहना देंगे रहिंदी दुनिया तक तू कोई उतार नहीं सकता। जदों महाराज जी नूं छंदाबंदी की गल आई विआह दे विच महाराज ने फुनह उचारण कर दिते। जदों माता गंगा जी ने जेवरात मंगे धन गुरु अर्जन देव जी ने बावन अखरी उचार दिते। जदों बाबा बुढ़ा जी ने आख्या महाराज 12 महीनिया के ना जिहड़े आ सानू जाके पंडतां दे कोलों सुनने पैंदे आ सच्चे पातशाह जी ने 12 माह की बाणी उचारण कर दी। जदों प्यारो बाबा बुढ़ा साहब भाई गुरदास ने आखे कि साढ़े 24,000 श्वास जिहड़े आ उहनां नूं सफलिया करन वास्ते बख्शिश करो धन गुरु अर्जन देव जी ने सुखमनी साहब उचारण कर दी। इसे करके धन गुरु अमरदास जी ने आख्या सी दोहिता बाणी का बोहिता मेरा दोहता वह होएगा जिहड़ा 33 उत्ते भी प्रभु दे गीत गाउंदा रहेगा। यह है धन गुरु अर्जन साहब जी के इतिहास विचों सिख्या जो अज दे दिन महाराज इज आस्ट टू सिंग दीज पोएम्स। व्हाट डज महाराज सिंग बाणी देन माता गंगा जी व्हेन शी इज मैरिड टू गुरु साहब ऑल द अदर वुमेन दे आर वेयरिंग ब्यूटीफुल ज्वेलरी दे से यू आर मैरिड इन द हाउस ऑफ गुरु नानक वेयर इज योर ज्वेलरी। शी कम्स एंड शी आस्क्स महाराज साहब वेयर इज माय ज्वेलरी। महाराज साहब जी एट दैट टाइम सेज आई विल गिव यू सच ज्वेलरी नो वन विल बी एबल टू रिमूव इट फ्रॉम यू। व्हिच ज्वेलरी वाज दैट महाराज रिसाइटेड द बाणी ऑफ बावन अखरी। ते मैं बेनती करा जिस तरह एक संपट हुंदा संपट बॉक्स नूं कहिंदे जिहदे विच जेवरात रखी दे इसे तरह गुरु अर्जन देव जी ने पहला श्लोक उचारण कीता गुरदेव माता गुरदेव पिता ते अखीरला श्लोक भी बावन अखरी दा गुरदेव माता गुरदेव पिता है ते ये संपट है ये बॉक्स है जिहदे विच ज्वेलरी पई है। When Guru Arjan Dev Ji is asked by Baba Buddha Sahib Ji, we have to go and hear the names of the months from Pandits. Maharaj Ji reads Bara Maha.
When Maharaj is asked, we want one bani which fulfills each one of our breaths. Tan Guru Arjan Dev Ji Singh Sukhmani Sahib, even when sitting on a burning hot plate. Tan Guru Arjan Dev Ji Maharaj is singing Gurbani. Aao pyareo, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਇਸ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਲਦ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਧੜਕਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਦਾ ਗੁਰ ਕੋ ਇਹ ਜਾਨੋ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਬੁੱਕ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਸ ਆਸਕਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮਾਈਲਡ ਐਂਡ ਸੈਡ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬੀਟਿੰਗ ਹਾਰਟ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਜ਼। ਆਓ ਪਿਆਰੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਪਰੰਤ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਯੁੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਣਾ ਚ ਤਾਰਿਓ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50-60 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਂਗੇ, ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਂਗੇ, ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਂਗੇ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਭਿਓ ਜੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਓ ਵੀ ਕੁਛ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਬਸ ਬੰਦਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 25 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਅੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੰਭ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਅੱਜ ਵੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ 5 ਬੱਚੇ ਉਡੀਕਦੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਦੋਂ ਕਥਾ ਤੋਂ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਸਿੱਖੀ ਆਪ ਹੀ ਸਾਂਭੇ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਠੇ ਸੱਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਦ ਜਿਹਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਆਖਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣਾ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਯੋਗ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ U24 ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube, Facebook, Twitter ਅਤੇ WhatsApp ਤੇ। U24 ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ www.u24.live।